अस्सलाम वालेकुम। अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जू 501 का टॉपिक नंबर 26। ये टॉपिक हमारे पास क्या है, एनाटॉमी ऑफ द जीन, यानी कि अभी तक हम जीन के इंटरनल स्ट्रक्चर को ही स्टडी कर रहे हैं। ये दो डेफिनेशंस हैं जो कि मैंने इंटरनेट से पिक की हैं, और इंटरनेट से पिक करने का मतलब ये है कि मतलब मैनुअल में हमारी डेफिनेशंस थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और जो इंटरनेट पर होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो मतलब कोई सही डेफिनेशन नहीं होती, कोई गलत नहीं होती, सिंपल आपके पास डेफिनेशंस का डिफरेंट होने का मतलब ये है कि जिस डेफिनेशन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो उस डेफिनेशन को फॉलो करें। यानी कि अगर कोई डेफिनेशन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है कि आपको समझ आ रही है कि ये एक्चुअली क्या है, तो आप बेसिकली उस डेफिनेशन को फॉलो करें। तो मैंने ये दोनों डेफिनेशन जो है वो इंटरनेट से पिक की हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास प्रोमोटर क्या होता है। प्रोमोटर हमारे पास डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है और जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ज्वाइन करता है। दोबारा से बता रही हूँ, हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंसेस ऐसी डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है और जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। उसके बाद इन्हांसर्स हैं हमारे पास। इन्हांसर्स क्या है, इन्हांसर्स हमारे पास प्रोमोटर्स के लिए भी हेल्पिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि इन्हांसर्स जो है प्रोमोटर्स को भी रेगुलेट कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक और बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्हांसर्स आर नॉट नेसेसरली एडजेसेंट टू टारगेट जीन्स एंड कैन एक्सर्ट देयर फंक्शंस रिगार्डलेस ऑफ इन्हांसर ओरिएंटेशन। ज़रूरी नहीं है कि इन्हांसर जीन के बिल्कुल साथ हो, वो दूर रह के भी मतलब आपके पास ये है कि इन्हांसर्स किसी भी जीन के साथ हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो किसी डिस्टेंस पर रह के भी अपना फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जीन कहीं और होगी, उसका इन्हांसर माइट पॉसिबल कि कहीं और हो, लेकिन फंक्शन फिर भी प्रॉपर तरीके से ही चलेगा। उसके बाद क्या है, ये स्लाइड मैंने इंटरनेट से पिक की है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं सिर्फ इसलिए ताकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रोमोटर्स हमारे पास क्या होते हैं, प्रोमोटर्स हमारे पास वही सीक्वेंसेस होती हैं जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी होती है, यहाँ पे जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ये तकरीबन 100 से लेके 1000 बेस पेयर्स जितनी लंबी होती हैं, इससे ज़्यादा ये लंबी नहीं होती। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी होती हैं, ये हमारे पास प्रोमोटर्स बेसिकली हमने फर्स्ट सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ा था कि टाटा बॉक्स होता है। टाटा बॉक्स बेसिकली क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एडेनिन और थायमिन की सीक्वेंसेस होती हैं, एडेनिन और थायमिन की सीक्वेंसेस होती हैं जो कि रेकग्नाइज हो जाती हैं, पहचानी जाती हैं, क्योंकि फिर वहाँ से जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि एज और टीज मतलब एडेनिन और थायमिन की जगह से ही क्यों ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ से डीएनए को तोड़ना यानी कि खोलना आसान होता है, उसके स्ट्रैंड्स को पुल अपार्ट करना यहाँ से बहुत ईजी होता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये अब हमारे पास प्रॉपरली मैनुअल वाली डेफिनेशंस आ गई हैं। प्रोमोटर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। ये बात तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। इन्हांसर की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इन्हांसर की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ डीएनए सीक्वेंस। अच्छा, ये भी डीएनए सीक्वेंस ही होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझा कि ये नॉन कोडिंग होती है। नॉन कोडिंग मतलब कि ये आगे से मतलब कुछ ट्रांसलेट नहीं हो सकती, ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो सकती, ये खुद चेंज नहीं होती, बस ये बाकी चीज़ों को कंट्रोल करती है। इसकी सीक्वेंस खुद नॉन कोडिंग होती है। नॉन कोडिंग मतलब ये प्रोटीन नहीं बना सकती, आगे कुछ भी नहीं कर सकती, बस इसका काम होता है जो है ना वो प्रोमोटर की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, और ये सिर्फ प्रोमोटर की एक्टिविटी को जो है ना वो यूटिलाइज करता है, कंट्रोल करता है, और आपके पास ट्रांसक्रिप्शन की क्या स्पीड चल रही है उसकी एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। यानी कि मतलब एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो चलती रहे, उसमें कहीं पे गैप ना आ जाए, वो कहीं पे स्लो डाउन ना हो जाए। ठीक है, इन्हांसर का मतलब ही यही होता है, इन्हांस करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है। द ह्यूमन बीटा ग्लोबिन जीन हैज़ एन इन्हांसर इन इट्स 3' UTR रफली 700 बेस पेयर्स। हमारे पास जो ह्यूमन बीटा ग्लोबिन का इन्हांसर है वो कहाँ पे होता है, वो 3' UTR एंड पे होता है। UTR को अभी हम नीचे देखते हैं कि क्या होता है। तो ये एक छोटी सी डायग्राम मैंने इंटरनेट से ही पिक की थी। तो हमारे पास ये होता है कि 5' एंड होते हैं, 3' एंड होते हैं। तो हमारे पास जो ह्यूमन बीटा ग्लोबिन का इन्हांसर है वो 3' एंड के UTR पे होता है, जो कि तकरीबन कितना लंबा होता है, 700 बेस पेयर्स, 700 बेस पेयर्स होते हैं उसमें।
यूटीआर क्या होता है? यूटीआर की सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देखते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन मतलब अ रीजन दैट इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ये रीजन, ये भी सीक्वेंस ही होती है डीएनए की या न्यूक्लियोटाइड्स की, लेकिन ये प्रोटीन नहीं बना सकती। डीएनए में हमारे पास बहुत सी सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जो बस कोई फंक्शन तो परफॉर्म कर रही होती हैं लेकिन आगे से प्रोटीन वगैरह में कन्वर्ट नहीं हो रही होती। तो यूटीआर भी हमारे पास एक ऐसा ही रीजन है। This region includes the sequence which is needed for polyadenylation. अब इसका function क्या है कि ये खुद तो protein में convert नहीं होता, लेकिन इसका function क्या है कि ये polyadenylation में help करता है। Polyadenylation मतलब poly A tail, many A tail, बहुत सारे A जो है ना वो add हो जाते हैं messenger RNA की tail पे, end पे। ये picture देख के आपको समझ आएगा कि ये पूरा जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी, मैसेंजर आरएनए के बिल्कुल एंड पे ये ढेर सारे एज ऐड हो गए हैं। तो ये जब ढेर सारे एज ऐड हो जाते हैं तो ये क्या बन जाती है, इसकी टेल, टेल बन जाती है। अब ये टेल का फ़ायदा क्या होता है, टेल के कुछ फंक्शंस होते हैं, कोई भी चीज़ जो है वो बगैर फंक्शन के नहीं होती। अब इस ए के भी जो है ना वो कुछ फंक्शन होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक तो ये मैसेंजर आरएनए को स्टेबिलिटी देती है, यानी कि स्टेबल कर देती है, मतलब ईजिली ये अब जो है ना इस पर कोई अटैक नहीं कर सकता, कोई इजीली इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, ये स्टेबल हो जाएगा। दूसरा ये कि अलाउज द मैसेंजर आरएनए टू एग्जिट द न्यूक्लियस। टेल का हमारे पास ज़्यादातर फंक्शन ये होता है कि ये मूवमेंट में या इस किस्म की चीज़ों में हेल्प कर देती है। तो जब मैसेंजर आरएनए डीएनए से बन चुका है तो अब उसने न्यूक्लियस से बाहर भी निकलना है, तो ये टेल उसकी न्यूक्लियस से बाहर निकलने में हेल्प करती है। उसके बाद है परमिट्स द मैसेंजर आरएनए टू बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि प्रॉपरली मैसेंजर आरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट होने के लिए भी इस टेल की ज़रूरत होती है। आगे कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, होप्स हो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, लेकिन नहीं भी हुआ तो भी आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें, वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।